सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारद के रूप में भगवान को क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा। अच्छा, नारद जी की बहुत सारी चर्चाएं हैं, मैं आपको सुनाता चलूं। नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? अच्छा, नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। दासी पुत्र क्यों बने? ये पिछले जन्म में ये देवता थे। जब नारद जी दासी पुत्र थे, उसके पहले भी नारद जी एक देव थे, देवता थे, परंतु किसी कारणवश इन्हें श्राप मिल गया और इन्हें दासी पुत्र बनकर संसार में आना पड़ा। नारद जी भी एक बार संसार में आए, एक माँ के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। बहुत छोटी सी उम्र थी। इनके गांव में कुछ संत आए, नारद जी ने संतों का बहुत अभिवादन किया, संत सेवा की, और चतुर्मास संतों ने जब व्यतीत किया तो संतों को भोजन कराना, उनका प्रसादी पाना, उनके चरण दबाना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये उनका नियम बन गया। एक दिन जब संत जाने लगे, उनके 4 माह पूरे हो गए, और जब संत जाने लगे तो नारद जी चरण पकड़ के कहने लगे, हे भगवान, आप जा रहे हैं, जिस आनंद में आप डूबे रहते हैं, क्या उस आनंद तक पहुंचने का मुझे पता नहीं बतलाएंगे? हम संसार के जो लोग होते हैं ना, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमें वह सुख नहीं मिलता। हमें सब कुछ होने के बाद भी पत्नी के, पति के, बच्चों के, प्रॉपर्टी के, धन दौलत के, सब कुछ होने के बाद भी हमें वह सुख नहीं मिलता जो सुख संतों को सहज में ही प्राप्त होता रहता है। संत किसी पेड़ की छांव में मस्त आनंद से रहते हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने संतों की शरणागति ग्रहण की और संतों के चरण पकड़े कि महाराज आप जिस आनंद में डूबी रहते हैं वो आनंद हमें दीजिए। तब संतों ने हमें मंत्र दे दिया। तब उन संतों ने नारद जी को कौन सा मंत्र दिया? नारद जी को मंत्र दिया श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी को ये मंत्र दिया था श्रीमन। हाँ, श्री मतलब लक्ष्मी और नारायण मतलब नारायण। श्रीमन नारायण मतलब लक्ष्मी और ना। जो लोग ये मंत्र जपते हैं, ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र को नारद जी आज भी जप रहे हैं। हाँ, आपसे प्रार्थना है कि आप भी यत्र तत्र ना भटकें, यहां वहां कोई और मंत्रों का जाप ना करें, केवल नारायण नारायण, हरे राम श्री कृष्ण का जाप करें। इसके अतिरिक्त कहीं और ध्यान ना लगाएं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं मैं उस मंत्र का जाप करने लगा, मुझे बड़ा आनंद मिला। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन नारद जी ने देखा कि संत लोग जा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर पड़े, महाराज कहाँ जा रहे हो? संतों ने कहा बेटा चतुर्मास पूरा हुआ, अब हम जा रहे हैं अपने आगे भजन करने, अपने तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। नारद जी ने कहा महाराज हमें भी अपने साथ ले चलो। हाँ, हमें भी अपने साथ ले चलो। उन संतों ने कहा बेटा चलो। नारद जी भी संग हो चले। जैसे ही नारद जी 4 कदम आगे बढ़ाते हैं तो नारद जी की माँ दौड़ी दौड़ी आती, बेटा बेटा बेटा, नारद जी को उठाकर गले लगा लेती, बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू अभी से संत बन जाएगा तो बेटा मेरी कौन देखरेख करेगा? नारद जी रोने लगे, माँ मुझे जाने दो, मुझे संतों के साथ जाने दो, मुझे नारायण नारायण जपने में बड़ा सुख मिल रहा है माँ। नारद जी बहुत समझाते हैं माँ को, पर माँ नहीं समझती। तब उन संतों ने नारद जी से कहा, उस समय नारद जी छोटे से थे, 7 वर्ष की आयु रही होगी, ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा है। तब नारद जी से संतों ने कहा कि बेटा तुम पुत्र हो और तुम्हारी माँ अबला है, अर्थात अकेली है, उस माँ का तुम ही सहारा हो, यदि तुम ही चले गए तो माँ किसके भरोसे रहेगी, इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम अपनी माँ का साथ निभाओ और माँ की सेवा में लगे रहो। नारद जी बोले जो आज्ञा आप कह रहे हैं तो यही होगा।
ठीक है, ये कहकर संत आगे चले गए। अब नारद जी महाराज बड़े प्रेम पूर्वक अपनी माँ की सेवा करने लगे और एकांत में बैठ के वही मंत्र जो गुरुजनों ने दिया था। देखिए, जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, किन्हीं से, किन्हीं भी गुरु जी से लीजिए, आप गुरु मंत्र लेते हैं तो आपका परम कर्तव्य है कि आप उस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें जो मंत्र आपके गुरुदेव ने आपके कान में फूका है। हाँ, गुरु मंत्र कान में ही दिया जाता है, इसकी पुरानी प्राचीन पद्धति है, पुरानी परंपरा है, कान में ही मंत्र डाला जाता है। जैसे खेत में किसान जब बीज बोता है ना, तो मिट्टी के भीतर ही वो अन्न जाना चाहिए, दाना जाना चाहिए, यदि ऊपर रह गया तो चिड़िया चुग जाती है, खा जाती है, इसलिए उसको भीतर होना होता है ताकि सही उसे नमी मिल सके और सही टाइम पे वो अंकुरित हो सके। अब नारद जी को मंत्र तो मिल चुका था, अब माँ की सेवा में वो लगे। जब समय मिल जाए तो वो नारायण नारायण का जाप करते और जो भी कथाएं नारद जी ने सुन रखी थी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते, दरस परस करते। एक दिन क्या हुआ कि माँ गौशाला में गाय दोह रही थी, अचानक माँ को सांप ने, सर्प ने डस लिया और माँ का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। माँ का अंतिम संस्कार करके श्री नारद जी उसी रास्ते चल पड़े जिस रास्ते वो संत गए थे। और एक पेड़ जंगल में जब नारद जी पहुंचे तो एक वृक्ष की छांव में श्री नारद जी ने केवल उसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। और भागवत जी में लिखा है कि नारद जी ने जाप करते, देखिए आप जाप करेंगे जितना अधिक, उतना अधिक आपको भगवान का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, हैं तो दिखाओ। अरे ये सब फिजूल की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। हाँ, कुछ चीजें दिखाने की नहीं होती। हाँ, आप किसी अंगूठा छाप को काखा गाघा दिखाओ, कहो कि देखो ये का है, ये का, ये खा, ये गा, ये घा, तो अंगूठा छाप जिसने कभी काखा गाघा पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो उसके सामने काखा गाघा है तो भी क्या वो काखा गाघा को पहचान सकता है? एक अंगूठे छाप आदमी से जो कभी पढ़ा नहीं, उससे आप कहो कि का खा गाघा, ये चार अक्षर लिखे हैं, अब बताओ इसमें गा कौन है, गा कहाँ है, का खा गाघा, इन चारों में गा कौन है, तो क्या अंगूठा छाप गा को पहचानेगा? हाँ या ना? नहीं पहचानेगा। उससे पूछा जाए क्यों भाई का कहाँ है, इन चारों में से का कौन है, तो क्या वो का को पहचान सकता है? नहीं, क्योंकि उसने कभी काखा गाघा देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, वो क्या जाने का, वो क्या जाने खा। वही वही हम आपको समझा रहे हैं कि जिसने भक्ति का काखा गाघा पढ़ा ही नहीं, वो भला भगवान के बारे में क्या जान सकता है। नारद जी ने मंत्र का जाप किया, एक पेड़ की छांव में खड़े हो गए और नारायण 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 का जाप करने लगे। करते 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 जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया, परंतु मान रहे थे, अभी तक जाना नहीं था। अब विचार आने लगा, बुढ़ापा आ गया, भगवान मिले ही नहीं। तब क्या हुआ, नारद जी के भीतर भगवान प्रकट हो गए और नारद जी ने भगवान का बड़ा अद्भुत दर्शन किया, बड़ा आनंद आया उन्हें, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई नारद जी महाराज को। तभी वो अनुभूति अंतर्धान हो गई, अदृश्य हो गई। अब नारद जी चारों तरफ खोजने लगे, भगवान अभी अभी तो आपने हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया, अब आप कहाँ चले गए प्रभु, आप कहाँ चले गए? तब आकाशवाणी हुई कि पुत्र, इस जन्म में मेरा दर्शन तुझे नहीं हो सकता, अगला जन्म जब होगा तब होगा। तब नारद जी ने अपना शरीर सुखा दिया और अपना शरीर छोड़ दिया। वह नारद जी फिर ब्रह्मा के पुत्र बनकर जन्म लेते हैं और भगवान का निरंतर वो दर्श परस करते हैं। जब मान लिया तो फिर भगवान ने जना दिया। तो मानना और जानना, तो भगवान सो आप पहले मानने लग जाइए, जब आप मानने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनका अनुभव हो जाएगा और जब अनुभव हो जाएगा तो ईश्वर है या नहीं, ये भ्रांति समाप्त हो जाएगी।